बोलबम हर हर महादेव। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुल्तानगंज टू देवघर पैदल कांवर यात्रा के बारे में। क्या आप पहली बार कांवर यात्रा को करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंत में आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप पैदल कांवर यात्रा सुल्तानगंज टू देवघर कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी मैं सुल्तानगंज के घाट पर मौजूद हूँ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले आप लोगों को शाम के 4 से 5 बजे तक सुल्तानगंज पहुँच जाना है। और सुल्तानगंज जैसे ही आप पहुँचते हैं सबसे पहले अपने कांवर में जल भर के जल संकल्प करवा करके यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद आप यहाँ से अपना जो आपकी जो पैदल यात्रा होती है उसको प्रारंभ कर दीजिए। और जैसे ही आप प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों उसके बाद आपकी संपूर्ण कांवर यात्रा की शुरुआत हो जाती है। और अभी मैं गंगा घाट पर मौजूद हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और गंगा घाट का मैं दृश्य को आप लोगों को दिखा रहा हूँ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को गंगा आरती भी देखने के लिए मिलेगा जो काफ़ी भव्य होता है। अगर आप शाम के समय में यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे आप गंगा आरती का भी आनंद ले सकते हैं। और ये हर हर गंगे नमो घाट के पास में ये गंगा आरती होता है, तो आप लोग जरूर आएँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग सभी फ्रेंड्स यहाँ पे अपना जल संकल्प करा लिए हैं, कांवड़ पूजा वगैरह हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग निकलने वाले हैं पैदल कांवड़ यात्रा के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग पैदल कांवड़ यात्रा शुरू कर चुके हैं और ये पहला दिन है। और पहला दिन सुबह में हम लोग रात भर कांवड़ यात्रा किए और सुबह सुबह 6 बजे तक हम लोग तारापुर के आसपास में पहुंच चुके हैं। अब तारापुर से जैसे ही हम लोग कंटिन्यू अपनी पैदल यात्रा को करेंगे उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे और कांवड़िया पथ को भी आप लोगों को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि कांवड़िया पथ में किस तरह से बालू बिछाए गए हैं, पूरा महीन बालू इस बार डाला गया है। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं इसी बालू में आप लोगों को चलना है, आराम से बोलबम के नाराओं के साथ चलना है। रास्ते में आपको बहुत सारे प्रकार के खाने के पकवान वगैरह भी मिलेंगे, जो आपको फलहारी है जो नमकीन खाना चाहते हो नमकीन भी खा सकते हैं। उसके बाद अब आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किए, फिर रेस्ट करने के बाद फिर थोड़ी देर यहाँ विश्राम करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना कांवर पूजा किए। कांवर पूजा करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं सभी फ्रेंड के साथ बोलबम के नाराओं के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं कंधे में कांवर लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हमारे साथी बम जो थक चुके हैं जिनको हम लोग पैर दबा करके उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो इस तरह से पहला डे खत्म होता है और ये दूसरा डे जैसे ही स्टार्ट होता है दूसरा दिन अगला दिन फिर हम लोग कांवड़ यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और हम लोग लगभग कुमारसार नदी के पास में पहुंच जाते हैं और देख सकते हैं ये कुमारसार नदी का व्यू है जो काफ़ी खूबसूरत होता है। कुमारसार नदी जैसे ही कांवड़िया पहुँचते हैं अपनी थकान को दूर कराते हैं और दूर करने के बाद यहाँ से फिर आनंदमय भक्तिमय होते हुए कुमारसार नदी को पार करते हैं। उसके बाद अगला जो पड़ाव आता है वो जलेबिया पहाड़ और सुइया पहाड़ का होता है। तो इसके बाद की जो यात्रा है वो काफ़ी मंगलमय यात्रा होती है। आप देख सकते हैं हम लोग काफ़ी सारा एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, रील्स बनाते हुए चल रहे हैं। और आप लोगों को डीजे का सेटअप भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे काफ़ी सारे गाने वगैरह भी बजते हैं। और देख सकते हैं कि अभी हम लोग जलेबिया पहाड़ में पहुँच चुके हैं और जलेबिया पहाड़ में देख सकते हैं कुछ बच्चे लोग हैं जो काफ़ी इंटरटेन आप लोगों को करेंगे। पूरे रास्ते भर में आप लोगों को खूब मज़ा खूब आनंद आने वाला है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे और सभी को एक बोलबम नारा लगाते हुए चलते जाते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ। उसके बाद जैसे ही हम लोग रात्रि में सुइया पहाड़ में आराम किए फिर अगला सुबह हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं कांवड़ यात्रा करने के लिए। ये तीसरा दिन है, हम लोग का तीसरा दिन का समय लग गया लगभग, और तीसरा दिन में हम लोग कांवड़ यात्रा को शुरू कर चुके हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांवड़िया पथ में भीड़ है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। अभी सभी कोई बोलबम के नाराओं के साथ चल रहे हैं और लगभग 1 से 3 दिन का समय लगता है हम लोगों का। और 3 दिन के बाद हम लोग लगभग बाबाधाम पहुँच जाते हैं। और अभी हम लोग कांवड़ को अपना स्टैंड किए हुए हैं यहाँ पर। कांवड़ को स्टैंड करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि सभी हम लोग अपने साथी बम का वेट कर रहे हैं, सभी साथी बम हमारे आने वाले हैं अभी। और जैसे सभी साथी बम हमारे पहुँच जाते हैं उसके बाद फिर हम लोग पुनः इस यात्रा को प्रारंभ कर देते हैं। तभी आप देख सकते हैं हमारे अंदर में एनर्जी आ चुका है, हम लोग खूब अच्छा से स्नान वगैरह भी कर लिए हैं, कांवड़ पूजा वगैरह भी कर लिए हैं। उसके बाद फिर से हम लोग यह पुनः दोबारा इस यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं और हमारे मन बस एक ही जिज्ञासा रहता है कि हम लोग कब जलाभिषेक करेंगे, बाबा बैजनाथ धाम कब पहुँचेंगे। हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ नेपाली बम हैं जो नेपाल से आए हुए हैं, हम लोग बातचीत करते हुए चल रहे हैं अभी आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं सुइया पहाड़ का अंतिम पड़ाव है, इसके बाद आप लोगों को अब रखा वगैरह मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि सुइया पहाड़ में भी बोलबम का नारा लग रहा है। और देख सकते हैं एक साइड रोड भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, दूसरे तरफ आप लोग कांवर यात्रा देख पा रहे होंगे। और काफ़ी मनमोहक दृश्य होता है, अगर आप नहीं किए हैं कभी तो आप करें एक बार कांवर यात्रा, तभी आपको आनंद मिलेगा। अभी हम लोग अबरखा में पहुंच चुके हैं और ये अबरखा का सीन है, व्यू है, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और अभी हम लोग थक चुके हैं तो थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं और विश्राम करने के बाद फिर कुछ साथी बम हमारे पीछे छूट चुके हैं तो उनका इंतजार भी हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जूस वगैरह पियेंगे और जूस पीने के बाद फिर हम लोग यहाँ से दोबारा निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग जूस का ऑर्डर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं अब जूस भी आ चुका हमारा, अभी हम लोग जूस पी रहे हैं। और जूस पीने के बाद फिर से हम लोग इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे और जूस पीना जरूरी है क्योंकि एनर्जी मिलता है जूस पीने से। और देख सकते हैं किस तरह से कांवड़िया पथ में भीड़ भी होना शुरू हो चुका है और
आप देख पा रहे हैं। और सुइया पहाड़ का चढ़ाई तो आपको तो याद ही होगा अगर आपने कांवड़ यात्रा किया होगा। तो यहाँ पे 5 पत्थर एक साथ जोड़े जाते हैं, ऐसा मनोकामना मानी जाती है कि अगर आप 5 पत्थर को एक साथ जोड़ेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो 5 पत्थर को यहाँ पे जोड़ते हैं। और ये सुइया पहाड़ का अंतिम पड़ाव है, इसके बाद आप लोगों को गोड़ियारी नदी के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे और उसके बाद गोड़ियारी नदी का व्यू भी दिखाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग गोड़ियारी नदी के आसपास पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मौसम भी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा भक्तिमय माहौल है, चारों तरफ बोल बम के गाने बजते रहते हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग गोड़ियारी नदी के पास पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं शाम के यहाँ लगभग 6 बज चुके हैं और गोड़ियारी नदी में नाइट का व्यू मैं दिखा रहा हूँ। इस बार थोड़ा सा पानी नहीं है नदी में, इसकी वजह से सूखा सूखा दिख रहा है। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग बाबा नगरी देवघर पहुँच चुके हैं फाइनली दुम्मा बॉर्डर क्रॉस करके। और अब हम लोगों के जान में जान आ चुकी है क्योंकि हम लोग बाबा बैजनाथ की नगरी पहुंच चुके हैं, बाबा बैजनाथ धाम पहुंच चुके हैं। यहां से एक टिकट मिलता है, टिकट लेने के बाद हम लोग बाबा नगरी की ओर प्रस्थान करेंगे। और जैसे आप देख सकते हैं यहां पे सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं आप लोगों की सुरक्षा के लेकर के। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग चल ही रहे हैं और यहाँ से हम लोगों ने टिकट भी ले लिया है। अब हम लोग फाइनली बाबा बैजनाथ धाम देवघर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं अब यहाँ से हम लोगों का लाइन जो होता है वो लगना शुरू होता है। तो हम लोग अब सीधे लाइन की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं शिव गंगा के पास में। शिव गंगा में पहुंचने के बाद कांवर पूजा होता है, जल संकल्प होता है। तो हम लोग अपना संकल्प वगैरह करवा लिए हैं, सारा कुछ हो चुका है। अब हम लोग आप लोगों को शिव गंगा का व्यू दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ शिव गंगा काफ़ी मनमोहक दृश्य होता है। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो सुल्तानगंज से जल लेकर के नहीं आते हैं तो शिव गंगा से भी जल उठा करके बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग में जलाभिषेक करते हैं और उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए अभी हम लोग लाइन में चलते हैं। तभी आप देख सकते हैं कि हम लोग लाइन में आ चुके हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, सभी कोई बोल बम का नारा लगा रहे हैं। पूरा बोल बम के नारों के साथ पूरा देवघर नगरी को गूंज उठी है अब, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने जलाभिषेक कर लिया फाइनली बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग में, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइनली तीसरे दिन में जलाभिषेक किया बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग में और आप साक्षात दर्शन करें बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग देवघर का, जिसे रामनेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है और ये पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है मंदिर। इसलिए लोग यहाँ पे सावन के महीने में जलाभिषेक करते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा करने से बहुत फल की प्राप्ति होती है। और आपको मैं शिवलिंग को दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे आप जल चढ़ाते हैं, वो जल आपका शिवलिंग में किस तरह से आता है आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप इस तरह से सुल्तानगंज टू देवघर पैदल कांवड़ यात्रा कर 105 किलोमीटर की दूरी कर आप 3 दिन के अंदर में जलाभिषेक बाबा बैजनाथ धाम में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा ये बनाई गई वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर, बोल बम।